Jain students, in today's lecture, we are going to see chapter number 3, The Wheat is Cheaper. Number 1, इस chapter को हमने दो भागों में बांटा है. First वाला जो part है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं. So let's get started. One evening, एक शाम, रवि and अशोक, रवि और अशोक went to see David Smith. Went to का मतलब होता है गए और सी मतलब मिलने. देखिए सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है. तो वन इवनिंग एक शाम को रवि एंड अशोक, रवि और अशोक वेंट गए टू सी मिलने के लिए. किसको मिलने के लिए? डेविड स्मिथ. डेविड स्मिथ को मिलने के लिए एक शाम रवि और अशोक गए. डेविड्स फादर यानी कि डेविड के पिताजी, मिस्टर डेविड के पिताजी का नाम क्या था? मिस्टर स्मिथ. Is an Englishman. वो एक Englishman थे, मतलब अंग्रेज थे. Now he has travelled widely. He has travelled, ये present perfect tense है. He has travelled का मतलब होता है उन्होंने travel किया था, उन्होंने प्रवास किया था. कहाँ कहाँ? Widely, बहुत लंबी दूर दूर तक. And he is now working in India. और अभी वो कहाँ work कर रहे थे? Working in India. वो भारत में वर्क कर रहे थे. अशोक एंड रवि, अशोक और रवि. देखिए यहाँ पर एंड जो है ये कंजंक्शन है. क्या है? कंजंक्शन. दो शब्दों को या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम बोलते हैं कंजंक्शन. तो देखिए यहाँ पर दो, एक अशोक है और एक रवि है, दो को वो कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन. ठीक है, क्लियर हो गया. अशोक एंड रवि मेट. मेट मतलब मिले. किसको मिले? डेविड को. अशोक और रवि जो है वो डेविड को मिले. ओनली अ फ्यू डेज अगो यानी कि कुछ दिनों पहले ही डेविड से रवि और अशोक मिले थे. बट द थ्री बॉयज, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, द थ्री बॉयज तीनों लड़के नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे. अब वो क्या है? लगभग, ऑलमोस्ट लगभग हर दिन मिलते हैं. दैट इवनिंग द बॉयज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. दैट इवनिंग उस शाम द बॉयज यानी कि लड़कों ने स्टार्टेड शुरू किया टॉकिंग, बात करना. किसके बारे में बात करना? स्टोरीज के बारे में बात करना. उस इवनिंग लड़कों ने स्टार्ट किया अशोक से. अशोक ने कहा, रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स. अशोक ने कहा रवि रीड्स, रवि पढ़ता है लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स. लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स का मतलब होता है बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ता है. परहैप्स, शायद, कदाचित. He wants to become a writer or a storyteller. He wants to become, वो बनना चाहता है. Become मतलब क्या होता है? बनना. और wants to, है ना, ये मॉडल auxiliary है. He wants to become a writer, वो writer बनना चाहता है. और a storyteller यानी के story कहने वाला बनना चाहता है, storyteller बनना चाहता है. Now, रवि, everybody लाइक स्टोरीज, सभी को स्टोरीज पसंद है. एवरीबडी लाइक स्टोरीज का मतलब होता है सभी को स्टोरी पसंद है. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज. आई लाइक का मतलब होता है मुझे पसंद है. क्या पसंद है? लिसनिंग टू, सुनना. क्या सुनना? द गुड स्टोरीज यानी कि अच्छी स्टोरीज सुनना मुझे पसंद है. डोंट यू डेविड? डेविड आपको पसंद नहीं क्या है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं रवि. नाउ डेविड आंसर देते हैं, यस ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल, है ना. ऑफकोर्स का हिंदी मीनिंग क्या करेंगे हम? बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल. व्हाई डोंट यू टेल मी वन? व्हाई डोंट यू, आप मुझे क्यों नहीं कहते हो, एक स्टोरी क्यों नहीं बताते हो? नाउ रवि सेज, आई वांटेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज टेल अस वन. रवि भी कहता है आई वांटेड यू टू टेल अस अ स्टोरी, है ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक अच्छी स्टोरी सुनाएं, प्लीज टेल अस वन, कृपा करके प्लीज आप हमें एक स्टोरी सुनाएं. डेविड सेज आई विल सम अदर डे. डेविड क्या कहते हैं? आई विल, हाँ मैं सुनाऊंगा, लेकिन कब? सम अदर डे, किसी और दिन सुनाऊंगा. बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी. बट टुडे, लेकिन आज, यू मस्ट टेल मी, आपको मुझे एक अच्छी भारतीय स्टोरी सुनाना पड़ेगा. ऐसा कौन कहते हैं? डेविड. नाउ रवि सेज ऑल राइट आई विल. रवि कहता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं सुनाऊंगा. I spent my last summer vacation with my grandfather in his village. मैंने मेरा last summer कहाँ बिताया था? With my grandfather. Grandfather मतलब दादाजी के साथ में. In his village, उनके गांव में बिताया था. He used to tell me at least one story every night. He used to. देखिए ये जो used to है ये भी model auxiliary है, है ना. Used to कहाँ use करते हैं हम? Past habits को बताने के लिए. जैसे हर दिन दादाजी, हर night
को दादाजी मुझे क्या करते थे, एटलीस्ट एक स्टोरी सुनाया करते थे, कम से कम एक स्टोरी सुनाया करते थे. नाउ आई विल टेल यू वन ऑफ दो स्टोरीज टुडेज. आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ दो स्टोरीज, उनमें से एक स्टोरी मैं आपको आज बताऊंगा. नाउ अशोक सेज, व्हाट इज द स्टोरी कॉल्ड? स्टोरी को क्या कहते हैं, किसके बारे में है, या फिर उसका नाम क्या है? रवि सेज, द चीपर, द वीट इज चीपर, है ना? क्या है स्टोरी का नाम? द वीट इज चीपर. नाउ डेविड सेज, चीपर देन व्हाट? भाई चीपर तो है, सस्ती तो है, लेकिन व्हाट, किससे सस्ता? नाउ रवि सेज दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी. दैट यू मस्ट टेल मी, वो आपको मुझे कब कहना है, कब बताना है? आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, यानी कि स्टोरी सुनने के बाद मुझे आपको क्या करना है, बताना है. दिस इज हाउ इट गोज, और ये ऐसे ही है. नाउ अब वो क्या करते हैं, स्टोरी बताना शुरू करते हैं. तो चलिए देखते हैं. लॉन्ग अगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले की बात है. इन एन इंडियन टाउन, एक शहर में, क्या है, भारतीय शहर में, देयर लिव्ड अ मर्चेंट, यानी कि एक व्यापारी. मर्चेंट मीन्स क्या होता है, व्यापारी. एक व्यापारी रहता था. ही वॉज वेरी ग्रीडी. ग्रीडी का मतलब होता है लालची, है ना, जिसको पैसों की हमेशा लालच रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, लालची. नाउ ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था. He used to go to towns to buy or sell large quantities of grain. He used to, देखिए फिर से used to का use हुआ है past habit को बताने के लिए. तो वह जाता था, कहाँ जाता था, towns to towns जाता था, शहर से शहर जाता था, क्या करने के लिए, to buy or sell. Buy means खरीदना और sell means बेचना. खरीदने के लिए और बेचने के लिए, क्या खरीदने बेचने के लिए जाता था वो, large quantities of grain, यानी कि अनाज की, मतलब थोक में अनाज को बेचने के लिए शहर से शहर जाता था. इवन ऑन हिज वे टू दिस टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी. और इस रास्ते में भी वो हमेशा क्या सोचता रहता था, ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी, कि मैं पैसे कहाँ से कमा लूँ, है ना, मुझे कहाँ से पैसे मिल जाएँ, ऐसा वो हमेशा सोचता रहता था. नाउ वन डे व्हेन ही वॉज गोइंग टू अ टाउन, एक दिन जब वो गांव जा रहा था, शहर जा रहा था, टाउन का मतलब हम नॉर्मली शहर करते हैं, टू बाय सम ग्रेन, यानी कि कुछ अनाज खरीदने के लिए. ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज. ही सो अ फार्मर, उसने क्या देखा, एक फार्मर को देखा. डिस्टेंस अवे, यानी कि दूर दूर उसने एक फार्मर को देखा. हियर ही थॉट, उसने सोचा, इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम. उसने सोचा कि ये व्यक्ति से मैं अब पैसे बना सकता हूँ, ये व्यक्ति से पैसे कमा सकता हूँ. सिंपल विलेजर, ये विलेज, सिंपल जो विलेजर है, इससे मैं पैसे कमा सकता. नाउ सो ही, इसीलिए उसने वॉक्ड क्विकली अप टू हिम, और इसीलिए वो जल्दी जल्दी किसकी तरफ गया, वो फार्मर की तरफ गया. एंड स्टार्टेड बींग फ्रेंडली विथ हिम, और उसके साथ मित्रता भरा व्यवहार करने लगा, फ्रेंडली बिहेव करने लगा. नाउ ही सेड टू द फार्मर, उसने फार्मर को कहा, When I was young, जब मैं यंग था, यानी कि जवान था, I used to go a long distance alone, but as I am getting old, I would like a companion with me always. मैं जब छोटा था, यंग था, जवान था, तब मैं क्या करता था, दूर दूर तक मैं क्या करता था, अकेला ही जाया करता था. लेकिन as I am getting old, जैसे मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, I would like a companion, मुझे एक सहारे की ज़रूरत लगती है, एक साथी की. companion मतलब क्या होता है, साथी. companion की ज़रूरत लगती है always, यानी कि हमेशा मुझे एक companion की ज़रूरत लगती है. Now as we are going the same way, जैसे कि हम एक ही रास्ते में जा रहे हैं, it is good for us, हमारे लिए सही रहेगा, to be together, यानी कि हमारे लिए सही रहेगा अगर हम साथ में रहेंगे. we shall enjoy each other's company, और हम एक दूसरे की जो company है उसको क्या करेंगे, हम enjoy करेंगे. the farmer said, thank you, farmer ने कहा, आपका धन्यवाद. I have never seen you before. मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा. I have never seen you before. मैंने यहाँ आपको पहले कभी नहीं देखा. I believe you are stranger. और मैं मानता हूँ कि आप क्या है, stranger हैं. Stranger मतलब अजनबी, जिसको आप नहीं पहचानते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, stranger. तो no, the merchant said, नहीं, merchant ने ये कहा, नहीं भाई, I am a merchant. मैं merchant हूँ, यानी कि मैं व्यापारी हूँ. And I have been here before. और मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ. But
ट्रैवल टू मेनी प्लेसेस, और मैंने बहुत सारे प्लेसेस को क्या करा है, ट्रैवल किया है, मैं घूमा हूँ. बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, अ फार्मर आस्क्ड. फार्मर ने पूछा. आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना. फार्मर ने पूछा, मैं आपका अच्छा साथी कैसे बन सकता हूँ, कैसे पॉसिबल है. नाउ आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर. फार्मर और क्या बोलता है कि मैं बहुत ही सिंपल विलेजर हूँ, गांव वाला हूँ, साधारण गांव वाला हूँ. एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, और आपने तो इस विश्व को बहुत देखा है. बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग्स. लेकिन फिर भी कदाचित इट विल बी राइट, ऑल राइट, ये सब कुछ ठीक रहेगा. इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग, आप ही बात करते रहोगे तो वो सब कुछ सही रहेगा. आई शैल लिसन टू वॉट यू से, और मैं आप जो बोल रहे हैं उसको क्या करूँगा, मैं सुनता रहूँगा. नाउ दिस इज़ नॉट फेयर, ये तो सही बात नहीं हुई. आई कॉन्ट डू ऑल द टॉकिंग. अब वो क्या बोल रहा है, व्यापारी मर्चेंट क्या बोल रहा है, दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है. आई कॉन्ट डू ऑल द टॉकिंग, मैं सारी की सारी बात मैं नहीं कर सकता. आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल. ईच वन ऑफ अस मतलब हमारे में से प्रत्येक, हरेक को क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल कहना पड़ेगा, यानी कि स्टोरी बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा. इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, अगर मैं आपकी स्टोरी पर डाउट करूँ, आई विल पे यू 100 रुपी, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, है ना. बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन, लेकिन अगर आप मेरी स्टोरी पर डाउट करो कि ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, है ना, ये डाउट किया हमने, अगर आप मेरी स्टोरी पर डाउट करोगे तो यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी. तो आपको भी मुझे इक्वल सम ऑफ मनी का मतलब है उतना ही पैसा मुझे आपको देना पड़ेगा, यानी कि कितना पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपीज़. हाउ डू यू लाइक द आइडिया, आपको ये आइडिया कैसे लगा. Now fine, said the farmer. अब farmer ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है ना. And so it is a bargain, the merchant said. तो फिर शर्त पक्की इस तरीके से. So is it a bargain? तो फिर ये bargain पक्का हुआ, ये bet पक्की हुई. Yes it is, said the farmer. Farmer ने कहा बिल्कुल. Now let's begin, चलिए शुरुआत करते हैं. Let's का मतलब होता है चलिए, और begin मतलब क्या होता है, शुरुआत करना. चलिए शुरुआत करते हैं. As you are the wiser of us two, अब किसान क्या बोलता है, जैसे कि आप हम दोनों में से wiser हैं, ज़्यादा चतुर है, ज़्यादा बुद्धिमान है, तो you must begin, तो आपको क्या है, शुरुआत करना चाहिए, आपको शुरुआत करना पड़ेगा. The merchant began his story, the merchant began his story, और merchant ने अपनी story start करी. अब merchant कौन सी story सुनाता है, बिल्कुल आप बच्चे ध्यान से देखिए और फिर बताइएगा कि जो फार्मर है उसने उसकी स्टोरी पर डाउट किया या नहीं किया, ठीक है. एज आई वॉज गोइंग अलोन दिस रोड वन डे, जैसे कि मैं एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, इस रोड से गुजर रहा था. आई सो अ मर्चेंट विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, है ना. आई सो अ मर्चेंट, मैंने एक व्यापारी को देखा, विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, जिसके पास एक लंबी ट्रेन थी, किसकी, कैमल्स की, यानी कि लंबी हार थी कैमल्स के उसके साथ. देर वर 101 कैमल्स, और उस वहाँ पर कितने थे, 101 कैमल्स, यानी कि 101 कैमल्स थे. एंड ईच ऑफ देम वॉज लोडेड विद द लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन, और प्रत्येक, ईच वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से प्रत्येक पर, वॉज लोडेड विथ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन, बहुत ज़्यादा प्रमाण में अनाज की जो जो क्वान्टिटी थी वो उनके ऊपर लोड करी हुई थी, यानी कि उनके ऊपर लादी गई थी. फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ, अब देखिए मर्चेंट ने ये बोला तो फार्मर ने उसका आंसर दिया, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल्स माई सेल्फ, मैंने भी ऐसे कैमल्स की ट्रेन्स देखी हैं. एंड दे आर ऑफन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स, और ज़्यादातर केसेस में उनके ऊपर बहुत सामान लादा जाता है, उनको उनके ऊपर लोड डाला जाता है, हैवी लोड डाला जाता है. मर्चेंट एडेड, अब मर्चेंट ने इसमें स्टोरी में और ऐड करते हुए बोला, ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, सभी कैमल्स एक दूसरे से, टाइड मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, और टुगेदर मीन्स क्या होता है, एक साथ में, सभी कैमल्स एक साथ में बंधे हुए थे, किससे बंधे हुए थे, विथ रोप्स, रोप्स मतलब मोटा जो रस्सा आता है, वो रस्से से बंधे हुए थे. नोज टू टेल,
कहाँ से कहाँ तक बने हुए थे? उनके नाक से उनकी पूंछ तक. टेल मीन्स क्या होता है? पूंछ, और नोज नाक. तो सभी जो कैमल्स थे वो कैसे बंधे हुए थे? रस्से से बंधे हुए थे. कहाँ से कहाँ तक? नोज से लेकर उनकी पूंछ तक. इट वॉज लॉन्ग ट्रेन, अबाउट हाफ अ माइल. और ये केस कितनी लंबी ट्रेन थी? अबाउट हाफ अ माइल, लगभग आधा माइल दूर जितनी इनकी ट्रेन थी, मतलब उनकी हार थी. नाउ गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट. ये तो बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है. नाउ एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ? आस्क्ड द फार्मर, फार्मर ने पूछा. अब उसके बाद क्या हुआ? नाउ मर्चेंट कंटिन्यूड, मर्चेंट ने शुरुआत करी, कंटिन्यू करा, चालू रखा अपना स्टोरी बताना. एंड देन अ काइट फ्लू डाउन, है ना. अब ये जैसे यहाँ पर वो बोस्ट कर रहा है, थोड़ा सा डींगे आँक रहा है, या फिर ऐसी स्टोरी बना रहा है, मन घड़त स्टोरी बना रहा है कि सामने वाला जो किसान है वो उस पर डाउट करे, और जैसे ही डाउट करे तो मर्चेंट को 100 रुपये मिल जाए. तो अब वो इसमें, जैसे हम बोलते हैं ना फेंकना, तो अब वो फेंकना शुरू करता है. क्या फेंकना शुरू करता है? एंड देन अ काइट फ्लू डाउन, और फिर क्या हुआ? एक पतंग आई, फ्लू डाउन, उड़ के आई ऑन द फर्स्ट कैमल, और फर्स्ट कैमल पर एक पतंग उड़ के आई एंड कैरीड हिम ऑफ, और उसको उड़ा के ले गई. अब ये तो यहाँ पे डाउट करने वाला है कि एक छोटी सी पतंग तो पतली होती है, बिना वजन की होती है, तो वो कैमल को कैसे उड़ा के ले जाएगी? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. नाउ बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइट टुगेदर, लेकिन अभी और ये फेंक रहा है ना, तो बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइट टुगेदर, जैसे कि सभी कैमल्स एक साथ में बंधे हुए थे. All the other camels were carried up with it. तो सारे के सारे जो camels हैं वो उसके साथ क्या हो गए? चले गए kite के साथ में. What do you say to that? अब वो पूछ रहा है कि आपको कैसा लगा? Doubt नहीं clear? Doubt नहीं हो रहा है क्या? आप क्या बोल रहे हो? Farmer said, it must have been a very strong kite. फार्मर अब बोल रहा है कि अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग काइट होगी शायद, है ना. इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट, बहुत स्ट्रॉन्ग काइट होगी. डू यू डाउट इट? देखिए यहाँ पर ये डाउट बी जो है ये साइलेंट रहता है ना, इसमें ये हम याद रखेंगे. डू यू डाउट इट, आपको डाउट हो रहा है क्या? आस्क द मर्चेंट, मर्चेंट ने पूछा कि आपको डाउट नहीं हो रहा है? नो, व्हाई शुड आई, मैं कैसे डाउट कर सकता हूँ? सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, है ना. फार्मर ने तुरंत कहा मैं कैसे डाउट कर सकता हूँ. नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, मर्चेंट निराश हो गया. डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या होता है? निराश हो जाना. मर्चेंट डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया. बट ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट, लेकिन उसने डिसाइडेड मतलब उसने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया, निर्णय कर लिया. टू मेक अनदर अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट करने के लिए, दूसरा प्रयत्न करना. अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है? प्रयत्न करना. टू गेट द 100 रुपीज, 100 रुपीज़ पाने के लिए उसने दूसरा प्रयत्न करने का निर्णय कर लिया. ही कंटिन्यूड, उसने वो स्टोरी को क्या है? जारी रखी, स्टोरी को कंटिन्यू करा. प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन, और वो प्रिंसेस जो थी, प्रिंसेस मतलब क्या होती है? राजकुमारी. एक राजकुमारी वो सिटिंग बैठी हुई थी इन हर गार्डन, उसके गार्डन में बैठी हुई थी. एंड अ मैड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, और उसकी मैड, मैड मतलब क्या होता है? नौकरानी. उसकी मैड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, उसके बाल बना रही थी, या फिर हम लोग कंघी कर रही थी. नाउ द प्रिंसेस हैपन टू लुक अप एट द स्काई, और प्रिंसेस ने हैपन टू लुक अप एट द स्काई, उसने ऊपर देखा. प्रिंसेस ने क्या करा? ऊपर देखा स्काई की तरफ. जस्ट देन, तभी द काइट आई स्पोक अबाउट, तभी क्या हुआ? जिस काइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, द काइट आई स्पोक अबाउट, मैंने जिसके बारे में बात करी, वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, वो स्काई में यानी कि आकाश में उड़ रही थी. इन द स्काई राइट अबोव हर हेड, उसके जस्ट कहाँ पर? उसके हेड के ऊपर, उसके सर के ऊपर. द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड सच अ किक, है ना. द फर्स्ट कैमल यानी कि पहले वाले कैमल ने गेव द बर्ड यानी कि काइट को ऐसी कीक मारी दैट इट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई. और जो पूरी जो कैमल्स की जो ट्रेन थी वो पूरी की पूरी ट्रेन कहाँ गिर गई? फेल इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई, प्रिंसेस की लेफ्ट आई में गिर गई. अब ये क्या पॉसिबल है कि बहुत सारे 101 कैमल्स अगर जा रहे हो एक साथ में ट्रेन में, और ऐसी पूरी की पूरी ट्रेन राजकुमारी की आंख में गिर सकती है क्या? ये पॉसिबल नहीं है. तो पुअर गर्ल, अब क्या बोलता है
फार्मर क्या बोलता है, अभी भी वो डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर वो डाउट क्रिएट करेगा तो उसको क्या है, 100 रुपये उसको मर्चेंट को देना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है, ओ पुअर गर्ल, बहुत गरीब गरीब वाली गर्ल बोल सकते हैं हम, देर वर 101 एनिमल्स, देर वर 101 एनिमल्स, 101 एनिमल्स थे एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन। और उससे क्या हुआ होगा, फार्मर ही बोल रहा है कि उससे राजकुमारी की आंख में बहुत पेन हुआ होगा अगर एक साथ में इतने सारे अंदर आंख में गिर गए हैं तो। एंड देन, और फिर क्या हुआ, एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से। अब मर्चेंट के पास तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना। मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से, मर्चेंट को पता ही नहीं था क्या बोलूँ मैं, अब समझ में ही नहीं आ रहा था। बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, लेकिन उसने एक और लास्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयत्न किया, उसने एक और प्रयत्न किया। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन। तो अब वापस से वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है और वो बोल रहा है देन उसके बाद में द प्रिंसेस स्टार्टेड, प्रिंसेस ने शुरू किया क्या करना, क्राइंग यानी कि रोना शुरू किया विथ पेन, उसको दुख भी मतलब अंदर से दर्द भी हो रहा था, दर्द के साथ उसने क्या करा, रोना शुरू किया। हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर, और उसकी मेड ने स्टॉप कर दिया क्या करना, कॉम्बिंग हर हेयर, उसके हेयर को बाल मतलब बालों में कंघी करना बंद कर दिया। शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड, उसने क्या करा, केयरफुली मतलब ध्यान से प्रिंसेस की जो आईलिड, आईलिड किसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना आँखों के ऊपर वाला जो ये सतह होती है ना। शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलिड, आईलिड इसने ओपन करी एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर अनदर, और उसने क्या करा, सभी कैमल्स को आँखों में से बाहर निकाला एक 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 करके एंड पुट देम इन टू हर पॉकेट, और उसने क्या करा, उसके पॉकेट में रख दिया। तो अब ये पॉसिबल है क्या, हम कैमल को पॉकेट में रख सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है मर्चेंट, डाउट सामने वाला डाउट करे इसलिए वो फेंक रहा है, स्टोरी कैसे भी बता रहा है। नाउ दैट वॉज अ गुड मेड, अरे ये तो बहुत अच्छी नौकरानी थी, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा। एंड देन, और फिर क्या हुआ, द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर, मर्चेंट अब और कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं था, कुड नॉट थिंक ऑफ, वो सोच ही नहीं पाया कि अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जितना मुझे फेंकना था, जितना मुझे डींगे आँकना था, मैंने आँक दी। सो ही सेड, तो उसने कहा दिस इज ऑल, फिर अब ये हो गया एंड इट इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी, और ये मेरी स्टोरी का अंत है, अब इसके बाद में स्टोरी में कुछ नहीं है। नाउ इट इज़ योर टर्न, अब क्या है, अब आपकी बारी है, ठीक है। तो मर्चेंट ने अभी तक किसको स्टोरी सुनाई, फार्मर को स्टोरी सुनाई, और वो चाहता था कि फार्मर जो है मेरी स्टोरी पे डाउट करे कि ये कैसे पॉसिबल है कि 101 कैमल्स की ट्रेन जो है वो राजकुमारी की आँख में गिर जाए, फिर राजकुमारी की जो मेड है यानी कि नौकरानी है वो उसको आँखें ऊपर करके एक एक करके कैमल को निकाल रही है ना, और उसके पॉकेट में डाल रही है। तो ऐसी एक स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी उसने बनाई, और वो उसने क्या करा, 100 रुपये लेने के चक्कर में किसको सुनाई, इसको फार्मर को सुनाई। तो फार्मर ने अभी तक डाउट नहीं किया, क्योंकि फार्मर क्या था, बुद्धिमान था, चतुर था कि मैं 100 रुपये इनको डाउट निकाल कर इनको 100 रुपये नहीं दूंगा। तो इसकी जो अधूरी स्टोरी है, अब क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे जब फार्मर जो है वो मर्चेंट को अपनी स्टोरी सुनाता है, मर्चेंट ने फार्मर को अपनी स्टोरी सुना दी और फार्मर ने कोई भी डाउट नहीं करा उस पर स्टोरी पे। अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर में जो फार्मर रहेगा वो स्टोरी सुनाएगा किसको, मर्चेंट को। तो हम लोग और आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो भी हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय।